अभी सी सेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो रही है। और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है अ मिलियन कट्स, इंडिया सी सेक्शन एपिडेमिक। तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि क्या सी सेक्शन एक डॉक्टर को करना और एक नॉर्मल डिलीवरी, क्या सी सेक्शन आसान पड़ता है? देखिए, बात आसानी या डिफिकल्टी की नहीं है, क्योंकि जब आप एक डॉक्टर होते हैं तो ऑब्वियसली आप डिफिकल्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर होते हैं। तो और अगर मैं कहूंगी तो सी सेक्शन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, जो कि कई सालों की मेहनत के बाद, एक्सपीरियंस के बाद एक डॉक्टर सी सेक्शन अच्छा करता है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो सी सेक्शन के रेट बढ़ रहे हैं, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी किस तरह से चेंज हो रही है। हमारी सोसाइटी में अब लेडीज जो है वो कैरियर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फोकस है, लोगों की शादियां लेट होती हैं। तो जो पहले हम देखते थे कि लोगों की शादियां 20 इयर्स के आसपास बेटियों की शादियां होती थी, लेकिन अब वो एज बढ़ के 30-35 हो गई है। तो ये एक वो एज होती है जब आपकी पैल्विस की मसल्स थोड़ा स्टिफ होने लगती है। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर, जो कि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर है, जिसकी वजह से लोगों को कई कई बीमारियां कम एज में होने लगे। तो हमने अक्सर देखा है कि 30 के बाद अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डायबिटीज का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, बीपी हाई हो जाना, ये सब चीजें बड़ी कॉमन होती है। और इस सब चीजों का असर जो डेवलपिंग बच्चा है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो जब हम किसी पेशेंट को सी सेक्शन के लिए तैयार करते हैं तो उसके लिए पीछे काफी फैक्टर्स होते हैं। कि पहला फैक्टर ये कि लेडी लेबर में बेबी को पुश नहीं कर पा रही है, या मसल्स ओपन नहीं हो रही है जिससे बेबी आगे नहीं जा रहा है, तो डिलीवरी कराने में दिक्कत आ रही है। एक फैक्टर होता है कि लेडी जिसको कि जो प्रेग्नेंट है उसको कुछ बीमारियां हैं ऐसी जिनकी वजह से हम उसको लेबर में जाना अलाउ नहीं कर सकते। और तीसरा फैक्टर ऐसा होता है कि जो डेवलपिंग फीटस है अगर वो बीमार हो गया है स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से, उसका वेट कम है, या फिर मान लीजिए गले में कॉर्ड्स हैं बच्चे के, और या बच्चे के जो डॉपलर पैरामीटर्स हैं जो कि बच्चे को खून ले जाने वाली नलियां हैं वो सिकुड़ने लगी हैं और अल्ट्रासाउंड अच्छा नहीं आ रहा है, ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें सिजरियन करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स भी देखिए सोसाइटी से अलग नहीं है, सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आते हैं उसका असर हेल्थ केयर पे भी पड़ता है। तो अभी भी हमने देखा है जो नॉर्मल डिलीवरीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर 20-30 एज ग्रुप के बीच के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज 30 से ज्यादा होती है आपके सिजरियन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, उन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। ऐसा है कि 30 के बाद जो भी डिलीवरी होगी और ज्यादातर यही होगी, या कोई ऑप्शंस भी है हेल्दी के? 30 के बाद ऐसा नहीं है कि डिलीवरी सी सेक्शन ही होगी, लेकिन अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है जो भी हमने आपसे डिस्कस की, तो उस केस में सी सेक्शन करना ही पड़ता है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है एजिंग प्रोसेस भी बढ़ता है, उसका असर आपके मसल्स पे, आपके बच्चे के जो डेवलप कर रहा है, आपके टिश्यू की एजिंग, सब पे असर आता है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा बढ़ती जाती है वैसे वैसे सी सेक्शन के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। रोबोटिक्स पे फिर से बात करें तो इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं। सर्जरी के देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा नहीं है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो एक हम इसमें जो लोग जब हम लोगों को काउंसिल करते हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए, तो लोगों के सामने जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो होता है फाइनेंशियल। सबसे पहले ऑब्वियसली रोबोट इज अ कॉस्टली सर्जरी। जब लैप्रोस्कोपिक आज से 20 ईयर्स पहले मैंने करना शुरू किया था तब ये कॉस्टली प्रोसेस हुआ करती थी, लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि लैप्रोस्कोपी से इतना बड़ा ट्यूमर निकल सकता है, लेकिन आज सब कुछ होता है। तो इसी तरह से रोबोटिक के लिए मैं कहना चाहूंगी जैसे जैसे इसका यूज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी और फिर ये लोगों की रीच में होगा। अभी तो आप कह सकते हैं कि बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग ही इसको बियर कर सकते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको एड मिली हुई है जो कि इनको सस्ते में भी कर रहे हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे यूज बढ़ेगा ये चीजें कॉस्ट इनकी कम होती जाएगी। दूसरा रोबोटिक का मैं आपको कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली मशीन को कलेक्ट करने में, मशीन को असेंबल करने में, पेशेंट को लेकर आने में इस समय थोड़ा सा टाइम हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज्यादा लगता है। तो एनेस्थीसिया का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है और पेशेंट को कैसे बढ़ जाता है? पेशेंट को हम लेकर आते हैं, हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स जो है पेशेंट के एब्डोमिन में इंसर्ट करते हैं, रोबोट को हम फिक्स करते हैं, तो इन सब चीजों से एनेस्थीसिया सर्जरी का टाइम बढ़ जाता है।
तो उसी तरह से एनेस्थीसिया का टाइम भी बढ़ जाता है. तो इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी है सब धीरे धीरे हर दिन एक नया कुछ सर्जरी में आता है, तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीजों को ओवरकम कर सके. ओके, आपने एनेस्थीसिया की बात की है, तो एनेस्थीसिया ऐसा तो नहीं है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर ज्यादा हो जाए या ज्यादा ड्यूरेशन के लिए तो और चीजें प्रॉब्लम भी देता है, तो इसका उसमें कोई इशू तो नहीं होता है? हाँ, एनेस्थीसिया का टाइम अगर ज्यादा हुआ तो पेशेंट को रिकवर करने में थोड़ा उस एनेस्थीसिया से बाहर आने में कुछ आवर्स ज्यादा लग सकते हैं. तो उस टाइम पे हम जो रोबोटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी रोबोटिक सर्जरी होती है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग में होते हैं. तो एनेस्थीसिया के लोग, क्रिटिकल केयर के लोग, वो सब पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं जिससे कि पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो सके एनेस्थीसिया से. और सबसे अच्छी बात यह है कि रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट जिनको कि हम 2 से 3 दिन बाद डिस्चार्ज करते थे, कुछ लोगों को हम 24 आवर्स के बाद ही डिस्चार्ज कर देते हैं. तो उससे भी पेशेंट की कॉस्ट, सर्जरी की कॉस्ट कम होती है, बिकॉज आईसीयू में कम जाना और जल्दी से डिस्चार्ज हो जाना, तो हॉस्पिटल का जो दवाइयों का खर्चा है, हॉस्पिटल का खर्चा है, वो सब ऑलरेडी कम हो जाता है. तो इस तरह से भी अगर रोबोट की कॉस्ट ज्यादा है तो पेशेंट की रिकवरी टाइम कम होने की वजह से वो कॉस्ट हम बैलेंस कर सकते हैं. अप्रोक्स कितना कॉस्ट पड़ता होगा? आप गायनी हैं तो किसी गायनी उसके बारे में बता दीजिए. देखिए, जैसा मैंने बताया कि इट इज अ कॉस्टली सर्जरी, तो लैप्रोस्कोपिक के ओवर एंड अबव ये करीब 1.5 से 2 लाख ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं. बट लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं, जिन जो पेशेंट्स रिकवर होके जाते हैं, आप उनसे कभी बात करें तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और पेशेंट को भी ज्यादा कॉस्टली होने पे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. जी, तो उत्तराखंड में कहाँ कहाँ अवेलेबल है रोबोटिक सर्जरी? उत्तराखंड में जो रोबोटिक्स है वो एक तो एम्स ऋषिकेश में अवेलेबल है और एक मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में अवेलेबल है. तो आप रोबोटिक सर्जरी के फ्यूचर को कहाँ देख रही हैं अभी? रोबोटिक्स के फायदे क्या हैं कि एक सर्जन जो अपने कंसोल में बैठ के अगर सेम ओटी में प्रोसेसर कर रहा है वो किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में भी प्रोसेसर कर सकता है. ये कैसे, इसे एक्सप्लेन कीजिए. ये ऐसे है कि अगर कहीं गवर्नमेंट ने रोबोट लगाया है मरीज उस जगह पे और ओटी की सारी फैसिलिटीज दी है, वहां अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो जो टीम है वो पेशेंट को वहां प्रिपेयर कर सकती है, और जो डॉक्टर देहरादून में बैठा है या मैक्स में बैठा है वो उस कंसोल में बैठ के उस पेशेंट को ऑपरेट कर सकता है. जो टीम हम, ये अभी डेवलपमेंट उसमें है, ये अभी हम इन चीजों पे बातें चल रही हैं कि जो टीम होती है हमारी जो पेशेंट के पास रहती है वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी हो सकती है. पेशेंट को एनेस्थीसिया किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी दिया जा सकता है. और लेकिन जो सर्जन है, जैसे जैसे आगे रोबोटिक्स का फ्यूचर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि दिल्ली में बैठा एक पेशेंट यूएसए में बैठे एक पेशेंट से, डॉक्टर से ऑपरेट करा सकता है इसी रोबोटिक सर्जरी की वजह से. तो जो हमारे उत्तराखंड में जो दूर से लोग हैं जिनका आना बड़े शहरों में पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर गवर्नमेंट की कुछ एड हो या गवर्नमेंट कुछ इसमें हेल्प करे तो ओटीज वहां पर डेवलप की जा सकती हैं, और पेशेंट को वहां जो है उसको फिर सर्जरी कराने के लिए दूसरे शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पेशेंट को वहीं पे ऑपरेट किया जा सकता है और सर्जन किसी भी सिटी में बैठ के उसको ऑपरेट कर सकता है. जी, आपने ये अलग अलग सिटी और अलग कंट्रीज की बात की है, तो इसमें एक सवाल है कि रिस्क फैक्टर भी तो बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी एक कुछ मीडियम आप यूज करेंगे, अगर उस मीडियम में कोई फॉल्ट होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो क्या वहां वो पेशेंट की बॉडी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? रोबोटिक सर्जरी सिर्फ एक सर्जन नहीं होता, एक सर्जन की पूरी टीम होती है. ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि एक पेशेंट ऑपरेट हो रहा है दिल्ली में और उसको ऑपरेट करने वाला डॉक्टर बैंगलोर में है, तो ऑब्वियसली पेशेंट के पास एक सर्जन की टीम अवेलेबल होगी. तो अगर कुछ ऐसे फॉल्ट्स आते हैं तो पेशेंट को उसी समय कन्वर्ट भी किया जा सकता है ओपन सर्जरी में या किसी में. लेकिन ये अभी प्रोसेस आगे जो चल रही है, ये सब प्रोग्रेस में है सारी चीजें, और मैं सोचती हूँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन चीजों को ओवरकम करने के लिए कुछ एफर्ट जरूर किए जाएंगे. ओके, तो अब डाइट की बात करूं, आपने बोला कि इस प्रोसीजर से रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है, तो जो एक नॉर्मल सर्जरी है जो कि
एक जनरल तरीके से की गई है उसमें, और अब जो रोबोटिक सर्जरी है उसमें जब रिकवरी का टाइमिंग में डिफरेंस आया है तो उसके डाइट में भी डिफरेंस आया होगा, कि कोई डाइट में चेंजेस आए हैं कैसे? देखिए, जो एब्डोमिनल सर्जरी हम करते थे तो पेशेंट को करीब 12 आवर्स तक हम लोग कुछ फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं करते थे, और जो फूड है वो धीरे धीरे हम पहले लिक्विड्स में पेशेंट को लेते हैं, सॉफ्ट डाइट देते हैं, फिर हम उसको नॉर्मल डाइट पे लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेन बहुत होता था, क्योंकि वो जो इंसिजन जो लगता है एब्डोमिन पे बड़ा, उसमें ऑब्वियसली पेन काफी होता है, और पेशेंट काफी महीनों तक सफर करता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, अपनी ऑफिस नहीं जा पाता, घर के कुछ काम में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जो रोबोटिक सर्जरी है इसमें पेशेंट को पेन आप देखेंगे धीरे धीरे 24 आवर्स के अंदर लगभग खत्म ही हो जाता है। और पेशेंट को जैसे ही पेशेंट होश में आता है हम उसको थोड़ा बहुत डाइट देना शुरू करते हैं, अगले दिन पेशेंट नॉर्मल डाइट पे होता है, पेशेंट वॉक कर रहा होता है, और जब हम उसका डिस्चार्ज कर देते हैं तो अपना जो वर्क है, अपना रूटीन है, वो उसको बहुत जल्दी शुरू कर सकता है। जी, तो महिलाओं के लिए ये रोबोटिक सर्जरी वरदान कैसे साबित होने वाली है? महिलाओं के लिए वरदान साबित होने वाली है, बिकॉज हम देखते हैं कि अपनी महिलाएं जो हैं आज हर तरफ हर फील्ड में काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि घर के ही काम की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, बाहर की भी जिम्मेदारी है। तो अगर महिलाएं रोबोटिक सर्जरी कराती हैं उनकी रिकवरी फास्ट होती है, अपने घर को वो जल्दी मैनेज कर सकती हैं, अपनी लाइफ को जल्दी पटरी पे ला सकते हैं, ऑफिस वो जल्दी जा सकते हैं, और जो एक कंट्रोल है जो उनकी लाइफ में, आप देखेंगे घर का कंट्रोल, ऑफिस का कंट्रोल सब आजकल लेडीज के हाथ में है, तो उसको जल्दी से वो रिगेन कर सकते हैं। जी, तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होने वाला है सर्जरी के बाद भी, और जो सर्जरी से होने वाला ट्रॉमा है वो लगभग पेशेंट भूल ही जाते हैं अगर हम लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक्स करते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत सारी हमको जानकारियाँ दी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। और रोबोटिक सर्जरी एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता हुआ है, मतलब इवॉल्व होता जा रहा है, और एक वक्त शायद ऐसा भी आएगा जैसे डॉक्टर ने कहा कि हम अमेरिका में बैठकर इंडिया में आराम से सर्जरीज करवा सकते हैं, या यहां से बैठ के वहां भी कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।